जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जनरल फैज़ हमीद जो मामिलो जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ रुख अख़्तियार करे पियो। मूंखे जॉइन कयो आहे तज़ी निगार डॉक्टर हुमा बकाई साहिबु। डॉक्टर साहिबु बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। डॉक्टर साहिबु ये जो सिचुएशन बन रही है, अब आप समझती हैं कि इससे कोई पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और ये जो ऑपरेशन शुरू हो गया है? देखिए, जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है, कोई तलातुम आता है, तो हम बिल्कुल यही सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन कोई जो सबसे समझिए परेशान कुन बात है ना, वो ये कि कोई भी एक्शन पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जा रहा है। तो ये जो सियासी तपखलिश है, जो ये इंटर और इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, अब तो समझिए ये खुलकर सामने आ गया ना। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की भी अकास है और इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की भी अकास है। और आप कभी भी सिलेक्टिवली एक पर्सनल को पिकआउट कर पनिश नहीं कर सकते। एक पूरी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की एक हिस्ट्री है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें पहले भी कुछ लोग इम्प्लिकेट किए गए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है या पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, तो दिस पर्टिकुलर अरेस्ट हैज़ नॉट डन दैट। कुछ लोगों का ख्याल है ये उसी सियासी चपखलिश का शाखसाना है और उसी के नतीजे में हुआ है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि एक तो मजीद ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और अगर मजीद ट्रांसपेरेंसी आएगी इस पूरी सूरत हाल में, तो ये बात सिर्फ उन तक नहीं रुकेगी। खबरें ये आ रही हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। बस मेरी गुजारिश और उम्मीद यही है कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान को किसी सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में इस वक्त जो कवासुर के साथ एक सियासी तलातुम है, वो हमारा फॉरेन पॉलिसी के लिए भी नुकसानदेह, हमारी मईशत के लिए भी नुकसानदेह है। और अब लोग खुलकर ये बात कहने लगे, मकालों में ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान को मईशत नहीं रोक रही है आगे बढ़ने से, पाकिस्तान को पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ने से रोक रही है, और अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों के पास कोई हल नहीं। मैडम इसीलिए आप मैडम, लेकिन ये बॉल एक कोर्ट में जाती है, कभी बॉल दूसरे कोर्ट में जाती है। मैडम इशू ये है कि वहाँ से ये बात भी आती है कि कुछ लोग ये भी प्रेशर डालते हैं कि जी वो लोग जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम डेलिब्रेटली कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू और टैक्टिक्स, इदारों में बाहर से मुदाखलत हो रही है, या जिसके कामों में मुदाखलत हो रही है, तो कुछ लोग हैं जो सारा सिस्टम आउटसाइड चला रहे हैं, तो उनको भी पकड़ना लाजमी था ताकि सब कुछ रुक सके। एक ओपिनियन ये भी है। देखिए, बहुत सारी ओपिनियंस हैं, बहुत सारे व्यूज हैं। मेरा आपसे दोबारा गुजारिश ये है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक्शन दिए गए हैं वो पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे, किसी रिकंसिलिएशन की तरफ ले जाएंगे, या चपखलिश और मसाइल और बढ़ेंगे? मेरे ख्याल में हम इस सवाल का अगर ऑनेस्टली जवाब दे दें तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैडम लेकिन एक बात यह है कि लेकिन देखें, जो सियासी पार्टी है, इमरान खान साहब हैं खुद, वो तो सियासी तौर पर बात करने को तो तैयार ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट कह रही है कि जी बात करें, वो बात ही नहीं करते,
और ऊपर से वो कहते हैं कि जी मैं सर एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हूं। जब जब आपकी ईगो जो है वो आपकी जात और आपकी ईगो मुल्क से भी बड़ी हो जाए ना, तो फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। किसी को तो ये फैसला करना है कि हमें अपनी जात और अपनी ईगो से आगे बढ़ के सोचना है, तो और ये फैसला जहाँ होना है वहाँ हो नहीं पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। डॉक्टर हुमा बकाई साहब जो ख्याल है त जेके सियासी चपकलिश आहे इदारनि जे इंट्रा पाड़ी इदारनि जे विच में बि आहे ऐं विदिन इदारे बि आहे। हुनजो इशारो डॉक्टर हुमा बकाई साहब जो इहो आहे त विदिन फ़ौज माना जेके रिटायर्ड आहिनि उहे उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ जेका कारवाई थिए पई उन्हनि जो ख़्यालु आहे त इहो शायदि न थियणु घुरिजे। उन इदारनि जी पाण में जेका चपकलिश आहे उन्हनि जो ख़्यालु आहे त इहा बि न थियणु घुरिजे। हाणे इहा त बिल्कुलु इहा अकेडमिकली आइडियल ॻाल्हि आहे त न थियणु घुरिजे, केरु बि नथो चाहे, पर सुवालु इहो आहे त उहे माण्हू जेके ॿाहिरि वेही अनस्टेबिलिटी खे पंहिंजो हथी वठाए रहिया हुआ, उहे माण्हू जेके इदारनि जे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हुआ, उन्हनि खे छा छॾे ॾिजे, छा चलो उन्हनि जी आइडेंटिफिकेशन कजे। सियासी माण्हू पाण में ॻाल्हाइण तयारु कोन्हनि। हुकूमत ॿियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई खे कई भेरा चई चुकियूं आहिनि त तव्हां अची ॻाल्हायो त कुझु मामलनि खे अॻिते वधायूं, कुझु ॾे वठि थिए, ॻाल्हि ॿोल थिए, ज़रा सियासी ॻाल्हि में कुझु ॾिबो बि कुझु वठिबो बि। पर इहा डॉक्टर साहिबा ॻाल्हि कई आहे त जेको ईगो जो मसइलो आहे उहो काफ़ी सीरियस आहे, उहो पाण मुल्क खां वधीक हुन हिकिड़े शख़्स जी ईगो आहे। इहो डॉक्टर साहिबा वाज़े तौर ते चयो आहे त मुल्क खां वधीक हिकिड़े शख़्स जी जेका अना आहे उहा ॻाल्हियुनि खे अॻिते नथी वधाए। उहो चवनि था इमरान ख़ान साहिबु चयो थो त मां एस्टेब्लिशमेंट सां सवाइ न ॻाल्हाईंदो, एस्टेब्लिशमेंट चवे थी बाबा सियासी माण्हुनि सां ॻाल्हायो। सियासी माण्हू ऑफर कनि था इमरान ख़ान साहिबु खे, उहो ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहिनि। पर उनजे उबतड़ ॿाहिरि हिकिड़ी कुवतूं, हिकिड़ा इंडिविजुअल्स, हिकिड़ा ग्रुप्स, उहे मुकमल तौर ते हुकूमत खे ऐं मुल्क खे अदम इस्तकाम जी तरफ़ वठी वञनि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। पोइ इदारनि में बि थिए पई, उतां ॾिठो त हीउ जेको सॼो नेटवर्क जेको अनवील थियो आहे ऐं जेको माण्हू जेके हिन ते कमु कनि पिया ऐं जेल रावलपिंडी जेल में जेके माण्हू साम्हूं आया आहिनि, कीअं फ़ोन ते ॻाल्हाइनि था, कीअं व्हाट्सएप ते ॻाल्हाइनि था, नेशनल इंटरनेशनल कॉल थियनि पियूं, हिकिड़ो ओपन उते सिस्टम लॻो पियो, मुलाक़ातूं थियनि पियूं, हुतां स्टेटमेंट्स अचनि पिया ऐं उहो वरी अख़बारनि में छपजनि पिया। त इहो मक़सदु एॾी सहूलियत असां पहिरीं ॾींहं खां इहो मुंहिंजी ज़ाती राय हुई, इहो तज़ियो हो त एॾी सहूलियत कंहिंखे पाकिस्तान में मिली आहे जेल में जेका इहा हुई। त इहो इनजो मक़सदु आहे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। त अगरि ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि त ॻाल्हियूं करणियूं त प्रेशर सां ज़ाहिर आहे रियासतूं ईअं हिकदमि त गोॾा खोड़े जी न वेही रहंदियूं आहिनि। अवामी प्रेशर आहे कोन ॿाहिरि, आवाम जेका आहे उहा उहो केरु बि निकिरे कोन थो ॿाहिरि निकिरण खां सवाइ, कीअं थींदो? उहो खणी ग़लति आयो आहे, सही आयो। बांग्लादेश बि हिकिड़ो ग़लति ई मॉडल हो, उते ॿाहिरि निकिता शागिर्द हाणे हू पेनिट्रेट कनि पिया, उते हाणे भतेबाज़ी शुरू थी वई आहे इंडस्ट्रियलिस्ट खे, बिज़नेसमैन खे, उते भत्ते जे लाइ फ़ोनूं अचनि पियूं त असांखे भतो ॾियो तव्हां। त इहो जेको इनकलाब बांग्लादेश वारो आयो आहे इहो केतिरी क़दुरु दुरुस्त आहे? हीअ ते जेका इनकलाब जी ॻाल्हि थिए पई जंहिंजो को वजूद ई न आहे, ग्राउंड ते कुझु बि वजूदु न आहे, सोशल मीडिया ते कुझु हलचल आहे ऐं उन जी बुनियाद ते जेको आहे कीअं हिकिड़ो पंहिंजो हुकूमत खे प्रेशर करे सघिजे थो या एस्टेब्लिशमेंट खे इवन प्रेशर करे पंहिंजा मुतालबा पुञाए सघजनि था। त नाज़रीन, इहा हुई इन मामले ते असांजी ॻाल्हि ॿोल। असांजे प्रोग्राम में अॼु एतिरो ई। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाई गॾु।